एकेडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नासा और इसरो जो भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनका एक बहुत विशेष मिशन सूर्य की ओर अग्रसर होता हुआ में दिख रहा है। हाल ही में इसरो की तरफ से एक ऐसी ही तस्वीर प्रकाशित की गई है जिस मिशन का नाम है आदित्य एल1 मिशन। आखिरकार सभी ग्रहों पर जाने के बाद या सभी ग्रहों के अवलोकन की जो सूची हमने बना रखी है, वैश्विक जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उन्होंने बना रखी है, तो अब वो सूर्य की ओर आखिरकार क्यों इतना आकर्षित हो रहे हैं, ये एक सवाल है जो आपसे भी पूछा जा सकता है और आपको भी पूछना चाहिए। आखिरकार हमारी पृथ्वी जो एक सौर मंडल का हिस्सा है, वहां पर सूर्य से निकलने वाले जो कई तरह के प्रभाव है, चाहे वो सोलर फ्लेयर हो, सौर कोरोना की उपस्थिति हो, या सूर्य से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हो, इन सभी का प्रभाव क्या पड़ता है, ऐसे कई सारे सवाल है वैज्ञानिकों के बीच में जिनका उत्तर प्राप्त करने के लिए इस तरह के मिशन को डिजाइन किया जा रहा है। अभी हम विस्तार से पूरे मिशन को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कई सारे वैज्ञानिक मिशन इसरो ने पहले भेजे हैं, चाहे वो चंद्रयान 3 हो जो पहुंच चुका है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, चाहे मंगल का मिशन हो, इसी तरह के मिशन शुक्र के लिए भेजा जाना है, इसी कड़ी में एक मिशन है आदित्य एल1। ठीक है, तो इसरो द्वारा आदित्य एल1 मिशन का भेजा जाना और एक सवाल कि आखिरकार हम सूर्य की खोज क्यों कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आज का हमारा डिस्कशन बेस्ड रहेगा। तो खबरों में इसलिए है क्योंकि इसरो ने आदित्य एल1 मिशन से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो प्रकाशित कर दी है। हालांकि अभी इसकी लॉन्च की डेट के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली है कि इसका लॉन्च कब तक होगा, लेकिन सूर्य का अध्ययन करने का यह इसरो का पहला प्रयास है, यानी कि हमने अभी तक ऐसा कोई भी सैटेलाइट सूर्य के अवलोकन के लिए नहीं भेजा है। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर हम किसी ग्रह की ओर जाते हैं या किसी उपग्रह की ओर जाते हैं, चाहे वो बृहस्पति हो या शनि का कोई उपग्रह हो, वहां पर तो पहुंचना फिर भी एक बार को आसान है या उसका अवलोकन करना आसान है क्योंकि गर्मी इतनी नहीं होती, लेकिन सूर्य के अवलोकन से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जहां पर वैज्ञानिकों को दिक्कत आती है। सूर्य के आसपास का जो तापमान है वो इतना अधिक है कि वहां पर अगर आप कोई भी सैटेलाइट भेजेंगे तो वो पिघल जाएगा, जल करके भाप बन जाएगा। तो क्या इसका विकल्प हो सकता है, क्या हम सूर्य का अवलोकन करने के बारे में सोचे भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लेकर भी कई तरह के उपकरणों का विकास किया गया है, कई तरह की यदि हीट शील्ड बनाई गई है, इन उपकरणों में लगाई गई है, जिसके तहत अधिकतम एक स्थिति तक सूर्य के तापमान को सहन कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अभी समझेंगे कि किस तरह के उपकरण में लगे हैं, किस तरह से हम सूर्य से निकलने वाली गर्मी को सहते हुए उसका अवलोकन कर पाएंगे। तो लॉन्च की तारीख अभी घोषित नहीं है, लेकिन जल्द ही इसका लॉन्च कर दिया जाएगा। एक बार समझे कि सूर्य की आखिरकार बनावट किस तरह की है, जितना हम आज के समय समझ सकते हैं, जितना ज्ञान हमारे पास अभी मौजूद है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने सूर्य को पूरी तरह से समझ लिया है, इसमें अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी का हमारा जो अवलोकन है वो केवल बाह्य अवलोकन है, दूर से ही हमने जो चीजों को समझा है, महसूस किया है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को देखा है। एक समय तो ऐसा भी था जब हम सूर्य को भारत में देवता की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। बेसिकली ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सूर्य ही है हमारे पास, तो जो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है उसको हम ईश्वर मानते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, सूर्य हो, कुछ अन्य ग्रह हो, ये सारी चीजें, हवा हो, पानी हो। तो सूर्य में कई तरह की लेयर्स को हमने जांचा है अभी तक। एक है इनर लेयर, उसके बाद है आउटर लेयर, और उसमें कुछ और चीजें हैं जो प्रोमिनेंस के रूप में दिखाई देती है, फ्लेयर्स दिखाई देते हैं, कोरोनल होल की बात आएगी और सन स्पॉट की बात आएगी। अगर आप इनर लेयर को देखेंगे, सूर्य की आंतरिक परतों को देखेंगे, तो उसमें सबसे भीतरी परत में आपको यहाँ पर कोर दिखाई देगा। ठीक है, और कोर का तापमान अगर आप देखते हैं तो लगभग 15 करोड़ केल्विन तक ये हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका अगले जोन पर आएंगे तो ये है रेडिएटिव जोन, इसको बोलते हैं, ये लगभग 70 लाख केल्विन तक गर्म है। उसी तरह अगला है कन्वेक्शन जोन, ये जो आपको लाल रंग से दिख रहा है, यदि 20 लाख केल्विन तक गर्म है। उसके बाद आएंगे आउटर लेयर पर, जहां पर फोटोस्फीयर है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देती है, ये लगभग 4000 केल्विन से 6500 केल्विन तक गर्माहट को लेकर के चलती है। उसके बाद अगला क्या है, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर उसके और बाहरी परत है, जिस तरह का हमें सूर्य दिखाई देता है, अगर आप सूर्य की तस्वीर खींचते हैं, भले ही सामान्य मोबाइल कैमरे जो आज के समय काफी ज्यादा अच्छा जूम कर देते हैं, एक बार उनसे खींच करके देखिए
तो भी आपको सूर्य के लाल रंग का गोला ही दिखाई देगा, बहुत ज्यादा अंदर आप नहीं जा पाएंगे, उसके लिए खास तरह के कैमरों की जरूरत होती है। और उसी तरह की एक वेधशाला कि हम और नजदीक से उसकी फोटो ले सके या उसका अवलोकन कर सके, आदित्य एल्बम भेज रहे हैं। और आदित्य शब्द से आपको पता चलता है कि आदित्य का मतलब ही है सूर्य का पर्यायवाची। तो याद रखिएगा कि आदित्य एल्वन जो मिशन है वो बेसिकली किसके लिए भेजा जा रहा है, सूर्य के लिए। अगर प्रश्न ये आ जाए कि आदित्य एल्वन मिशन का संबंध किससे है, तो आपको यहाँ से अनुमान लगा लेना है कि आदित्य यानी सूर्य। और यहाँ जो एल्वन शब्द है इसका भी अपने आप में एक अर्थ है, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। तो अगली है क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन आता है उसके बाद। और बाहरी जो आपको चमक दिखाई देती है, जो सूर्य की चमक दिखती है, इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। ये वो वाला कोरोना वायरस नहीं है, ये सूर्य की चमक वाला है, ठीक है। और यहाँ पर फ्लेयर सूर्य से निकलते रहते हैं, प्रोमिनेंस इस तरह से निकलते हैं, और कई बार सौर तूफान की हम बात करते हैं, वो भी सूर्य से निकलने वाली सौर आंधियां या कोरोनल मास इजेक्शन भी उसे हम बोलते हैं, वो सूर्य से ही निकलता है। और पृथ्वी को अगर आप देखते हैं इससे तुलना करते हैं, पृथ्वी इतनी छोटी दिखाई देती है हमें, काफी छोटी है ना। यही बात है कि हम बहुत छोटे हैं सूर्य से, और अवलोकन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी अगर आप तारे को देखते हैं, उसके आसपास के जो भी ग्रह हैं, उनके विकास के क्रम में उस तारे का बहुत महत्व रहा है। आज के समय अगर आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य के आसपास भी जो ग्रह हैं, उनके निर्माण के समय काल से ही सूर्य का प्रभाव उन पर रहा है। और आज भी लगातार जिन भी ग्रहों में जीवन का जो स्वरूप आपको दिखाई देता है वो वैसा है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति वहां है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अवलोकन करने के लिए जरूरी जो तारा है वो कौन सा हो जाता है? हमारा ही तारा होता है, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। तो सूर्य के अध्ययन का महत्व क्या क्या है, एक बार अगर हम पॉइंट्स में समझे, तो सूर्य एकमात्र ऐसा तारा है जिसका हम करीब से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो तारा है, अगर हम सबसे नजदीकी देखें तो प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे काफी दूर है, लेकिन सबसे नजदीक वही है। तो हमारे लिए सबसे आसान क्या होगा अवलोकन करने के लिए? सूर्य तक जाना। और सूर्य के बहुत नजदीक नहीं जा सकते, इसलिए जो अधिकतम दूरी तक हम जा सकते हैं वहां पर अपना प्रोब भेजेंगे। दूसरा क्या है? सौर पवन का एक स्रोत है, सोलर फ्लेयर्स जो आते हैं, सौर से चलने वाले तूफान जो आते हैं, और पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। इनका एक प्रभाव हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सैटेलाइट पर भी पड़ता है, कई बार ये सैटेलाइट की लाइफ को कम कर सकते हैं, उनके द्वारा जो कक्षा में चक्कर लगाया जा रहा है कक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, कई तरह की ऐसी चीजें हैं। अगला, अंतरिक्ष के मौसम का कारण हमें पता चल जाएगा, कारक पता चलेगा और उसका प्रभाव पता चलेगा, यानी कि आने वाले समय में अंतरिक्ष का मौसम कैसा बदलने वाला है। अगर हम कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं, या सोच करके देखिए हम कोई मानव मिशन भेजने वाले हैं, वहां पर अगर हमें ये पता होगा कि कुछ समय बाद मौसम बदलने वाला है अंतरिक्ष का, उसी हिसाब से हम निकलेंगे। जैसा पृथ्वी के अंतर्गत हम देखते हैं, हमने जो वेदर प्रणाली विकसित की है उसके हिसाब से ही हमारे पास पूर्वानुमान और चुनौतियां आ जाती हैं। हमें पता चलता है कि अमुक इलाके में बाढ़ आनी है, अमुक इलाके में सूखा पड़ना है, या बारिश आज होगी नहीं होगी, सूर्य का तापमान कितना रहेगा। तो कुछ ऐसी ही वेदर प्रणालियां हैं जो अंतरिक्ष में भी चलती है, अंतरिक्ष में भी तूफान आते हैं, इसका एक प्रमुख कारण सूर्य होता है। इसके अलावा हम इससे क्या कर सकते हैं? सुरक्षा की तैयारी कर सकते हैं कि कब हमें बाहर निकलना चाहिए और कब नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह से पृथ्वी है, और सोलर विंड्स निकलने वाली इस तरह से पृथ्वी की ओर बढ़ती है, इसलिए ये मिशन भेज रहे हैं। तो आप बात करते हैं आदित्य के आगे जो एल्वन लगा हुआ है, वो एल्वन क्या है? इनको कहते हैं लैग्रेंजियन कक्षाएं या लैग्रेंजियन ऑर्बिट, एल का मतलब है लैग्रेंजियन। तो ऐसे पांच विशेष बिंदुओं की खोज की गई है जहां पर सूर्य का अवलोकन किया जा सकता है, और न केवल सूर्य का अवलोकन किया जा सकता है बल्कि एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर यदि किसी सैटेलाइट को ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण है उसके बीच में जाकर के स्थित हो जाएगा। आप ये सोच सकते हैं कि फिर वहां पर जब वो स्थित रहेगा तो लगातार एक तरफ को दृश्य ले सकता है, और उसके लिए उसको अतिरिक्त ईंधन भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको बार बार अपनी पोजीशन नहीं बदलनी पड़ेगी। तो लैग्रेंजियन बिंदु में जो रखा गया उपग्रह या छोटी वस्तु है वो संतुलन में रह सकता है पॉइंट्स में। लैग्रेंजियन बिंदुओं पर दो विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल अथवा केंद्र अपसारक बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से दो बल हैं जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स
के अंतर्गत संतुलन प्रदान करते हैं, कौन कौन से है याद रखिएगा, पहला कौन सा है गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल या फिर केंद्र अपसारक बल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बिंदु ऐसे क्षेत्र प्रदान करते हैं जहां अंतरिक्षयान का ईंधन खपत के साथ साथ कम खपत के साथ साथ अवस्था या अपनी स्थिति में स्थिर रह सकता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि वह वही मौजूद रहेगा। जैसे यहां पर इसको समझाया गया है, ये देखिए पृथ्वी है, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रही होगी, ये चंद्रमा है तो उसका चक्कर लगा रहा है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब यहां पर ये पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है L1, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में, इसका भी एक महत्व है, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो याद रखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच का पॉइंट है L1। पृथ्वी के थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यानी सूर्य पृथ्वी और उसके बाद ये है L2। सूर्य के पीछे जाएंगे, पृथ्वी सूर्य और उसके बाद वो आएगा L3। थोड़ा सा उत्तर की ओर अगर जाएंगे, मतलब उत्तर दक्षिण ऐसे नहीं, आपको समझाने के लिए बोर्ड में ही मैं कह रहा हूं, ये है L4 और ये है L5। प्रश्न ये है कि हम L1 पर ही क्यों जाना चाहते हैं। देखिए अगर हम L2 पर गए तो ऐसा हो सकता है कि यहां से जो अवलोकन करने के लिए हमारा सैटेलाइट होगा उसके बीच में पृथ्वी की छाया पड़ सकती है। अब चारों जो पांचों हैं L1 को छोड़कर के चार हैं, उन सभी की अवस्थिति को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि L1 की अवस्थिति इतनी बेहतर है जो लगातार सूर्य की ओर दृश्यता को बनाए रख सकती है। ये एक बड़ी वजह है कि हम L1 की ओर गए हैं और इसको L1 नाम भी दिया है। तो लैग्रेंजियन कक्षाओं में से अभी एक और कहानी ये है कि पांच जो कक्षाएं हैं उनमें से तीन कक्षाएं अस्थिर हैं और दो कक्षाएं स्थिर हैं। कौन सी है अस्थिर कक्षाएं? L1, L2 और L3। और अगर आप स्थिर पॉइंट को देखेंगे तो L4 और L5। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बेहतर है वो है L1, इसीलिए कहा गया है कि कम ईंधन की खपत, यानी वो स्थिरता तो देगा लेकिन थोड़ा बहुत हमें अपनी स्थिति को सुधारते हुए लगातार एक दृश्य लेना पड़ेगा, तो ईंधन खर्च होगा लेकिन इतना नहीं होगा। और ये यहाँ पर जो बिंदु है वो आपको दिखाए गए हैं। तो पृथ्वी से अगर आप इसकी दूरी देखते हैं तो 1 मिलियन मील L1 की दूरी, और सूर्य से देखते हैं तो 92 मिलियन मील, इसकी दूरी है। तो हमारे पृथ्वी से ये लगभग 1 मिलियन की दूरी पर अवस्थित है जहां पर आदित्य L1 को भेजने की तैयारी है, और आदित्य L1 को हम PSLV के जरिए लॉन्च करेंगे, इसको ही इससे अटैच करने के लिए श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में भेजा जा चुका है। तो L1 में क्यों है ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि सूर्य से निकलने वाला और पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला प्रत्येक तूफान भी L1 से ऊपर गुजरता है। पीछे चित्र में आपने देखा था ना कि ये L1 पॉइंट है, और चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में पड़ता है तो यहाँ से जो भी तूफान आएगा वो यहाँ से होकर भी गुजरेगा जो पृथ्वी को प्रभावित करेगा। क्योंकि बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि ऐसे सभी तूफानों पर नजर रखना या ऐसे कोई भी प्रभाव का अवलोकन करना जो पृथ्वी को प्रभावित करे पहला, उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में हम तकनीक को इतना इवॉल्व कर लें कि हम बाकी सभी जगहों पर भी नजर रख पाए। ये होगा L1 पॉइंट, और यहाँ पर स्थापित किया जाएगा फिर आदित्य L1 को, जो फिर हमें सभी चीजों की जानकारी या जितना वो अवलोकन कर सकता है वो देगा। सूर्य के लिए कुछ अगर अन्य मिशन को देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहले देश बनने जा रहे हैं जो सूर्य के लिए मिशन भेजेंगे, नासा इसके पहले ऐसा मिशन भेज चुका है। तो पार्कर सोलर प्रोब नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हम आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं, तो आदित्य L1 के साथ साथ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विश्व के अन्य कौन कौन से देश हैं जो इस सफलता को प्राप्त कर चुके हैं या ऐसे किसी अवलोकन में शामिल हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2018 में नासा ने भेजा है, ये क्या कर रहा है वहां पर, सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन कर रहा है और सोलर पवन को तेज करने वाले कारकों को पहचान रहा है कि अगर सोलर फ्लेयर्स चले हैं, सूर्य से निकलने वाला तूफान चला है, सौर आंधियां चली हैं, तो वो किन कारकों से चली है, या अगर वो अचानक उनकी तीव्रता में वृद्धि हुई है या कोई कमी आई है तो वो किस वजहों से आई है। ठीक है, एक है सोलर ऑर्बिटर जो कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त मिशन है, तो ये पूरे सौर मंडल में लगातार अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित करता है सूर्य और कैसे नियंत्रित करता है, इसके प्रभावों पर चर्चा करने के लिए भेजा गया है कि आखिरकार सूर्य का जो रोल है, सभी ग्रहों पर हमने अभी चर्चा की सूर्य का प्रभाव पड़ेगा या किसी भी तारे का प्रभाव, उसका जो पूरा परिवार है अन्य ग्रहों का, आसपास के बादलों का, आसपास के छोटे छोटे सैटेलाइट पर जो उपग्रह होते हैं उस पर पड़ता है, उनके जीवन काल पर पड़ता है,
तो वैसा ही यहाँ पर भी पढ़ रहा है, इसी का हम अवलोकन कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक सवाल को, क्योंकि आने वाले समय में जब आदित्य एल्बम लॉन्च हो जाएगा तो इससे कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न देखें, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से भारत को उसके सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे मदद मिली है। और ये याद रखिए कि ये 2016 में पूछा जा चुका है, ये बहुत ओपन सा प्रश्न है। क्या पूछा है कि अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, तो आखिरकार जो हम चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगलयान भेज रहे हैं, गगनयान भेजने की तैयारी में है, आदित्य एल्बम भेजने की तैयारी में है, शुक्रयान भेजने की तैयारी में है, ये क्या है, ये इसरो की या भारतीयों की उपलब्धियों में ही आएगा। याद कीजिए कि जब हमने थुम्बा से रॉकेट लॉन्च किया था 1963 में, रॉकेट के जो उपकरण थे वो हम साइकिल में लेकर के गए थे, बैलगाड़ियों में रख करके ले गए थे। तो इसरो की वो यात्रा या भारतीयों की वो यात्रा आज बहुत आगे पहुंच चुकी है और हम विश्व के उन देशों में शामिल होने जा रहे हैं जिनके पास अपना लॉन्चिंग रॉकेट है। न केवल लॉन्चिंग रॉकेट है बल्कि विश्व में यूएसए जैसे बड़े देश हमारे पास लॉन्च करवाने के लिए आते हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है हमारे पास। तो इस प्रश्न के उत्तर को जब आप फ्रेम करेंगे तो अब आप इसका उत्तर अगर 2023 में लिखेंगे या 2024 में लिखेंगे, क्योंकि अगला जो अटेम्प्ट आप देने जा रहे होंगे वो 24 का हो सकता है, अगर आप 24 में इसका उत्तर लिखेंगे तो आप इन नए अपडेट्स के साथ इसको लिखिए, तभी आपका उत्तर ज्यादा बेहतर होगा। चलिए एक प्रश्न प्रीलिम्स के लेवल पर है, इसरो के आदित्य एल्बम मिशन के संदर्भ में आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कहता है कि यह भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। दूसरा, इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया जाएगा। और तीसरा, लैग्रेंज बिंदुओं यानी लैग्रेंज पॉइंट्स पर दो विशाल पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि कितने कथन सही है, आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है, और आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो इस प्रोग्राम को और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अपना पढ़ते रहिए और खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।